हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ ब्रेड आमलेट की रेसिपी। आपने तो पीस वाले ब्रेड की बहुत सारी ब्रेड आमलेट बनाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल नई तरीके से गोल ब्रेड के आमलेट की रेसिपी बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ब्रेड आमलेट बनाने के लिए हमने यहाँ सबसे पहले दो ब्रेड लिया है, गोल साइज का ब्रेड लिया हमने, और 5 अंडे। हमने यहाँ हरी मिर्च लिया है बारीक कटा हुआ, धनिया लिया है बारीक कटा हुआ, बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है, स्वाद अनुसार नमक लिया है, और 2 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। अब हम सभी अंडों को यहाँ एक बाउल में निकाल के रख लेंगे। थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल के हम इसे 2 से 3 मिनट तक फेटेंगे। ये देखिए, एक ही तरफ घुमाते हुए आप फेटिए, बिल्कुल इसी तरह से। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, साथ ही साथ हरी मिर्च डालेंगे और हरा धनिया। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे, हम मिक्स कर लेंगे, चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसको साइड में रख देंगे। हमने यहाँ तवा लिया है और इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम तवे पे दोनों ब्रेड को रख देंगे और इसको पलटते उलटते पलटते अच्छी तरह से इसको सेक लेंगे। जब भी आप ब्रेड आमलेट बनाएं तो ब्रेड को अच्छी तरह से सेक लें। अब उसी तवे में हम यहाँ 2 चम्मच तेल डालेंगे और इसको तवे पे अच्छी तरह से फैला लेंगे। और हम जो हमने ब्रेड आमलेट बनाने के लिए जो घोल तैयार किया था उस घोल को हम 1 चम्मच यहाँ तवे पे डालेंगे और इसको थोड़ा सा फैला देंगे, गोल आकार में थोड़ा सा फैला देंगे, और उसी के ऊपर हम ब्रेड को रख देंगे और थोड़ा सा दबा देंगे। ब्रेड को थोड़ा सा दबा देने से वह बहुत अच्छा से चिपक जाता है। जब हमारा ब्रेड ऑमलेट एक तरफ से पक जाएगा तब हम उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमारा जो है ब्रेड ऑमलेट वो एक तरफ से पक गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और उसी तेल को थोड़ा सा फैला देंगे और उसमें हम 1 चम्मच और ब्रेड आमलेट का जो घोल बना के रखा है हमने उसको डालेंगे। और पके हुए ब्रेड को हम पलट के जो जिस भाग में हम नहीं दिए हैं अंडे को नहीं लगा है उस भाग में पलट के इसको फिर से सेकेंगे। ऐसा क्या होगा, हमारा जो ब्रेड आमलेट है वो दोनों तरफ से अंडा को कवर कर लेगा। इससे बहुत ही अच्छा लगता है ब्रेड ऑमलेट, इस तरह से दोनों तरफ देने से ऑमलेट को बहुत ही टेस्टी हो जाता है हमारा ब्रेड ऑमलेट। तो आप जब भी कभी बनाएं तो आप दोनों तरफ से ऑमलेट को लगाते हुए ही बनाएं। ये देखिए हमारा कितना अच्छा से एकदम बहुत ही अच्छा कलर आया है हमारे ब्रेड ऑमलेट में। और हमने जो बाद में हमने ब्रेड में ऑमलेट लगाया था वो देखिए, हम इसको पलट के दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए हमारे दोनों तरफ से एकदम एक जैसा हो गया है और बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसको बीच में से काट के दिखाते हैं कितना अच्छा बना है, एकदम बहुत ही स्वादिष्ट। यह रेसिपी आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, साथ ही बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। तो एक बार आप जरूर ट्राई करें, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।